ज़रा हट के ज़रा बच के, जी हाँ, थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं। हालांकि फिल्म को मैंने कल शाम को ही देख लिया था, शोज़ उस प्रकार से मिल नहीं पा रहा था, शाम को जाके देखा था, थोड़ा लेट हो गया था फिल्म देखने में, तो मैंने सोचा अब मैं रिव्यू कर देता हूँ फिल्म को, उस वक्त तो नहीं कर पाया। तो जहाँ तक बात किया फिल्म की, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, ठीक ठाक है, मज़ा आता है, बहुत ऐसा स्पेशल नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक ठीक ठाक कॉमेडी ड्रामा चलता रहता है। हालांकि इस फिल्म को थोड़ा सा आप कंपेयर करो छोटे बजट की फिल्म, हम सभी जानते हैं छोटी सी फिल्म है, जिस प्रकार से शुभ मंगल सावधान और इस प्रकार की बधाई हो बधाई दो, इस प्रकार की जो फिल्में आती है उस कैटेगरी की, थोड़ी ड्रीम गर्ल उस कैटेगरी की फिल्म में हम इस फिल्म को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें जैसे बधाई दो वगैरह, तो बहुत ही अच्छी फिल्म चली थी बधाई हो, पहली वाली जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। शुभ मंगल सावधान ये भी थोड़ी बहुत हाईली एक्लेम्ड फिल्म है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है, क्रिटिकली भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हालांकि वैसा नहीं है, कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलता है, मज़ा आता है, परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, कहूँगा कि विक्की कौशल का काम ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सारा अली खान। सारा अली खान को देख के आपको खुद ही समझ में आएगा कि उनको एक्टिंग इतने अच्छे से नहीं आती है, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। दोनों एक्टर्स हैं, दोनों मतलब कपल है, शादीशुदा मैरिड कपल है, वो अपने घर घर लेने के चक्कर में, घर के चक्कर में वो लोग एक तरह से नकली डिवोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो डिवोर्स लेने चाह रहे हैं, लीगली डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, पर उनका डिवोर्स हो नहीं पा रहा, तो वही पूरी कहानी चलती रहती है, उनको डिवोर्स लेना है क्योंकि वो मेनली उनके घर का, वो कहानी में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से कहानी के हिसाब से समझिएगा, मैं बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो ऐसा चलता रहता है, तो वही पूरी चीज़ चलती थी कि उनको डिवोर्स रियल में नहीं करना है, बट वो लीगली दिखाना चाहते उस प्रकार से, तो वो पूरा ड्रामा चलता रहता है, पूरी फैमिलीज भी उनमें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीज़ें चलती है। विकी कौशल ने अपना काम अच्छा किया, मज़ा आता है। बाकी भी अगर आप देखें कैरेक्टर आर्टिस्टों को, तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी है, इन्जॉयबल है, मज़ा आता है, ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से फिल्म जो है, अगर आप थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं जो बहुत दिन से नहीं देखा, तो बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे नज़रिए से मैं जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दूंगा।